राजेश रजक आप देख रहे हैं। अभी तक इस समय है रायसेन जिले की सिलवानी विधानसभा है। सिलवानी विधानसभा ऐतिहासिक विधानसभा है। 2008 में इस विधानसभा का निर्माण हुआ था, अस्तित्व में आई थी। और इस विधानसभा का ये जो हिस्सा है सिलवानी, कभी ये बरेली विधानसभा में आया करता था। 2008 के बाद बरेली विधानसभा का जो बरेली तहसील है वो उदयपुरा विधानसभा में संविलियन हो गई और नई विधानसभा जब बन के आई तो ये विधानसभा सिलवानी विधानसभा की। इस समय आप देख सकते हैं हमारे भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ कार्यकर्ता हैं। लेफ्ट हैंड की बात करूँ या कांग्रेस से पार्टी से कार्यकर्ता और यह हमारे मीडिया के साथी। हम ये जानने के 5 वर्षों में किस तरह का विकास हुआ है, विकास की गंगा कहाँ तक बही है। और इस समय स्थिति ये है कि नए नए टुल्लूबंद भारतीय जनता पार्टी के द्वारा भी दिए जा रहा है, वहीं कांग्रेस के द्वारा भी दिए जा रहा है। सबसे पहले हम जान लेते हैं भारतीय जनता पार्टी से कि 5 वर्षों में क्या विकास हुआ। क्या नाम है सर आपका? बिल्कुल, ये बताइए 5 वर्षों में क्या विकास हुआ? 2018 में भारतीय जनता पार्टी की मध्य प्रदेश में सरकार बनी। सरकार बनने के बाद सिलवानी विधानसभा का बहुत ही ज़्यादा विकास हुआ। आज हम देखते हैं कि सिलवानी में चौड़ीकरण हुआ, सेंट्रल लाइट स्कीम का निर्माण हुआ और सिलवानी में एक बहुत बड़ी सौगात माननीय विधायक जी ने दी, सिविल हॉस्पिटल की सौगात। इसके अलावा थाना भवन का निर्माण हुआ, तहसील का निर्माण हुआ और पूरी विधानसभा में माननीय विधायक जी ने सड़कों का जाल बिछाया, डैम बनवाए। आज सिंचाई का रकबा यहाँ पर 4 गुना बढ़ चुका है। किसान यहाँ पर 4 और वर्तमान में लाडली बहना के अंतर्गत सभी बहनों को 1-1,000 रुपये के खाते बनने वाले हैं। लगभग सिलवानी तहसील में ऐसी 30,000 महिलाएँ लाभान्वित होंगी। इस प्रकार हम देखते हैं कि समग्र रूप से समाज के सभी वर्गों का इस विकास में योगदान और भागीदारी बढ़ाई है। और जहाँ तक खाद्यान्न की बात है, निःशुल्क खाद्यान्न कोरोना काल में भारतीय जनता पार्टी के द्वारा उपलब्ध कराया गया और 1 माह में 2-2 बार राशन बांटा गया। तीसरी बात देखें तो जब कोरोना काल था तो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता सड़कों पर निकलकर लोगों के साथ थे, लेकिन कांग्रेस कहीं भी नहीं थी। हमारे देश के प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी ने जो वैक्सीन बनाई, आज पूरी दुनिया में उस वैक्सीन की चारों तरफ चर्चा है। हम मोदी जी की बात, देश की बात करना, हम मध्य प्रदेश की बात करते हैं कि मध्य प्रदेश की सरकार ने क्या दिया। मध्य प्रदेश की सरकार में अभी हम देखते हैं कि आपको मैंने बताया था, अभी सिविल हॉस्पिटल सिलवानी हॉस्पिटल का उन्नयन हुआ और यहाँ पर 30 बिस्तर का सिविल हॉस्पिटल बनने जा रहा है। यहाँ पर बरेली रोड पर बहुत बड़ा हॉस्पिटल, देखिए बात की जा चुकी। यहाँ जो वर्तमान विधायक है वो पूर्व PWD मंत्री भी रह चुके हैं। 2008 से ये विधानसभा यहाँ पे शुरू हुई है। यहाँ कांग्रेस से भी बहुत कार्यकर्ता, हम उनसे जानते हैं कि 5 वर्षों में किस तरह का विकास हुआ है। ये बताइए 5 वर्षों में यहाँ भारतीय जनता पार्टी ने क्या विकास किया? दूसरी बार मौका मिला है रामपाल जी को यहाँ से। मैं कहूँ तो 5 वर्षों में भारतीय जनता पार्टी ने क्षेत्र का विकास नहीं किया है, अपने नेताओं का और अपने भाई भतीजों का विकास किया है। विगत 5 वर्षों से हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ अगर विकास के नाम पे कोई योजना आती है तो वो योजना सिर्फ लीपापोती में ख़त्म हो जाती है। हम कहें डिवाइडर रोड की, तो आज यहाँ जनता उपलब्ध है और जनता खुद बताएगी कि डिवाइडर रोड किस तरीके के बने हैं, किस तरीके से गुणवत्ता हुई है, किस तरीके से डिवाइडर टूट रहे हैं और आए दिन कहीं ना कहीं गड्ढे हो रहे हैं और पुराई का काम चल रहा है। पहली बात ये, और दूसरी बात विकास की अगर बात करें तो ये जो लाइटें चालू हुई थी उनमें से 3 या 4 लाइटें जिस दिन चालू हुई थी उस दिन से ही बंद है। आज भी आप जाके देख लो उनकी सर्किटें 3-4 पोलों की बंद है। तो ये विकास है। और कहें विकास की बात तो सिर्फ और सिर्फ यहाँ विकास के नाम पर लोगों को बेवकूफ़ बनाया जा रहा है। और 2018 से आज तक अगर ये सिविल हॉस्पिटल की बात करें तो सिविल हॉस्पिटल 15 महीने की कांग्रेस की सरकार में हुई थी, माननीय कांग्रेस के मुख्यमंत्री जी और स्वास्थ्य मंत्री जी के कर कमलों द्वारा इसकी स्वीकृति हुई थी। बस कागजी कार्रवाई जो थी वो घोषणा पत्र के हिसाब से कहें तो इनने 100 करी है। बीजेपी की पुनः जो सरकार 15 महीने बाद आई उसमें कांग्रेस की सरकार में ही ये हॉस्पिटल, हम लोग पर्सनली, मेरे पास आज भी स्वीकृति पत्र रखा है जो हम लोग ये स्वीकृत करा के लाए थे वो कांग्रेस के 15 महीने की सरकार में हुई थी। और ऐसी कई योजनाएँ हैं जो कहीं ना कहीं लीपापोती में ही चल रही हैं और अगर चालू भी है, जैसे कहें कि
गांव क्षेत्र में अगर रोड बनी है तो वो रोड क्यों बनाए गए? उन रोडों को इसलिए बनाया गया है कि इनके भाई भतीजे वहां ठेकेदार हैं, इनके भाई भतीजों के गिट्टी क्रेशर हैं, डंपर हैं, तो विकास हो रहा है तो माननीय का हो रहा है और उनके परिवारजनों का हो रहा है। देखिए आम जनता का विकास नहीं हो पा रहा, आम जनता का कोई विकास नहीं हो रहा है। देखिए हम बात कर रहे हैं 2015-16 में मध्य प्रदेश की बात की, राजस्थान मध्य प्रदेश के अंदर मृत्यु पेंशन केंद्र बनाए हुए थे। आपकी सरकार कह रही है कि हमारी सरकार किसान की सरकार है, जनहितैषी की सरकार है, लेकिन आपके यहाँ मिट्टी परीक्षण केंद्र में आज भी गोबर के कंडे थोपे जा रहा है, क्यों चालू नहीं हो पा रहा? आपके द्वारा जो मुझे जानकारी मिली है कि मिट्टी परीक्षण केंद्र अपने कंडे थोपे जा रहा है, मेरी जानकारी में ये असत्य है। मिट्टी परीक्षण किसानों को जब कराना होता है तो वो केंद्र पर जाते हैं, वो मिट्टी परीक्षण होता है। नहीं, यहाँ तो मिट्टी परीक्षण केंद्र नहीं बना, हमने भी देखा है उसको, आम जनता ने भी देखा है कि यहाँ किसान तो मिट्टी परीक्षण से कोसों दूर है। नहीं, मिट्टी परीक्षण अगर किसान को कराना है, किसान आ गया, मिट्टी परीक्षण सरकार करा रही। आपकी सरकार ने सॉइल हेल्थ कार्ड दे रखा था, किसानों को बराबर लाभ मिल रहा है, ये कहना गलत है कि किसानों को लाभ नहीं मिल रहा है। लगातार लाभ मिल रहा है। 5 वर्षों में विकास की बात की जा चुकी, पूर्व में आपके जो विधायक थे, पूर्व PWD मंत्री रामपाल सिंह भी यहाँ से विधायक रहे, दूसरी बार पुनः फिर यहाँ विधायक बने हैं, लेकिन इतना सब कुछ विकास का जरिया होने के बावजूद शायद एक पद उनको मिलना चाहिए था मंत्री का, तो क्यों नहीं मिल पाए, क्यों छिन गया? देखो, जहाँ तक मंत्रिमंडल के विस्तार की बात है तो वो मुख्यमंत्री जी का विशेष अधिकार होता है, और हमारे जो क्षेत्रीय विधायक है ठाकुर रामपाल सिंह, मैं ऐसा मानता हूँ कि मंत्री नहीं रहते हुए भी मंत्री से ज़्यादा पावर। ये माना जाता था कि शिवराज सरकार में यदि इन्हीं CM की बात की जाए तो पहले पहले रामपाल जी का नाम आता था, लेकिन ये सब कुछ होते हुए कहावत हो या घर के अंधेरे कहावत साल तक हुई, तो क्यों एक मंत्री पद का दर्जा दे रहे हो? वो मंत्रिमंडल का विस्तार की यहाँ तक बात है, 230 विधानसभा मध्य प्रदेश में, क्षेत्रीय संतुलन भी प्रदेश सरकार को बनाना पड़ता है मंत्रिमंडल के विस्तार में, जातीय समीकरण भी बनाना पड़ता है मंत्रिमंडल के विस्तार में, तो जो क्षेत्रीय समीकरण और जातीय समीकरण जो सरकार ने मंत्रिमंडल के विस्तार में बनाए, उस विस्तार को लेकर रायसेन जिले से माननीय प्रभुराम चौधरी भारतीय जनता पार्टी में स्वास्थ्य मंत्री हैं, बाकी माननीय विधायक जी हैं वो प्राकलन समिति में अध्यक्ष, मध्य प्रदेश की प्राकलन समिति में एक बहुत बड़ी टीम उन्होंने हमारे सिंचाई के मामले में प्राकलन समिति की टीम मध्य प्रदेश विधानसभा की वो यहाँ लेके आए, गेरथ सिलवानी बेगमगंज उदयपुरा में जिनकी परियोजना का काम बहुत जल्दी शुरू होने वाला है, खेत एक एक खेत जाके सिंचाई के साधन उपलब्ध, तो मध्य प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी की सरकार करा रही है। जहाँ बात की जाए 15 महीने की कांग्रेस की सरकार जब एक और गिर जाती है तो कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी का एक बहुत बड़ा नेता भारतीय जनता पार्टी में चला जाता है और सांची विधानसभा से वो विधायक बन जाते, तो कहीं ना कहीं कांग्रेस में खामियाजा हुआ। क्या हुआ कि आपका जो विधायक है वो कांग्रेस पार्टी बीजेपी पार्टी में चले गए, आज वर्तमान में हेल्थ मिनिस्टर? मैं उसमें कहूँ तो ये एक BJP की साजिश थी, हमारी 15 महीने की कमलनाथ जी की सरकार बनी और उसमें बहुत सारे विकास कार्यों की धराशिला रखी गई और उसके पश्चात भी इन लोगों द्वारा टिककर सरकार को गिराया गया, खरीद फरोख्त की गई और सरकार को गिराया गया। ऐसे लोग भ्रष्टाचारी लोग हैं जो 35-35 करोड़ रुपए में बिके, और आज हमारी विधानसभा की हम बात करें तो हम दूसरी विधानसभा के विधायक को यहाँ रखे हुए हैं, अगर कोई विकास होता है तो विकास उदयपुरा विधानसभा में होता है, ना कि सिलवानी विधानसभा में होता है। आज आप ITI ले लें, केंद्रीय विद्यालय ले लें, सब उदयपुरा तहसील के लिए स्वीकृत हुए, ना कि सिलवानी तहसील के लिए। आप तो केवल उनके परिवारजनों की सुख सुविधाओं के लिए, उनकी ठेकेदारी के लिए काम किए जाते हैं, अन्यथा ऐसे कोई काम नहीं किए जाते। और सरकार की जो योजना है वो आज धरातल पर नहीं है, केवल भाषणों में और अफवाहों में यहाँ की योजनाएं चल रही हैं, यहाँ पर धरातल पर कुछ नहीं है। आपकी सरकार यदि कांग्रेस आती है तो कमलनाथ जी ने बड़े बड़े वादे किए, क्या लगता है
15 तक पर आपकी सरकार आएगी, जो वादे किए वो पूर्ण होंगे? बिल्कुल होंगे। कमलनाथ जी ने 15 महीने में भी बहुत से काम किए थे, जिससे घबराकर भारतीय जनता पार्टी ने तोड़फोड़ की और खरीद फरोख्त उनकी सरकार गिराई। कमलनाथ जी ने जो वादा किया है कि हम 1500 महिलाओं को देंगे, वो बिल्कुल मिलेगा। 500 का गैस सिलेंडर मिलेगा, 100 यूनिट बिजली बिल माफ़ करेंगे। वो कमलनाथ जी ने बिल भी कन्यादान योजना में डायरेक्ट 51,000 रुपये किए थे, मेरा अवस्था में डबल किए थे, 300 की जगह 600 किए थे। अभी शिवराज जी ने लाडली बहनाओं के लिए खाते में 1-1 रुपये डाल दिया है। जी जी, क्या लग रहा है आपको? ये चुनावी लाली पाप है। 20 साल से क्या सो रहे थे शिवराज सिंह जी? जब कमलनाथ जी ने ये स्कीम बनाई कि हम 1500 देंगे, 500 का सिलेंडर देंगे, तभी जाके ये सीधे सीधे रिश्वत है मतदाता के लिए। चुनाव से पहले, इससे पहले 20 साल से आपने कोई योजना महिलाओं के लिए लागू नहीं की थी। जब चुनाव सर पर आए, और ये आप तो क्या मानना है, आप चुनाव से पहले 2-4 महीने के लिए ही योजना, उसके बाद तो बिस्तर बोलिए। शिवराज का समझना है कमलनाथ जी 1500 देंगे, वो 500 का सिलेंडर देंगे महिलाओं के लिए। कहीं कहीं योजना लेके आ रहा है शिवराज जी, जी तो ये क्या भारतीय जनता पार्टी या कांग्रेस दोनों के लिए क्या लगेगा जो मतदाता है उनके लिए? मतदाता को लाली पाप लगेगा, चुनावी लाली पाप है, रिश्वत है सीधी सीधी उनके लिए। देखिए अभी शिवराज जी ने महिलाओं के लिए बढ़िया योजना लेके आए हैं, लाड की महिलाओं अभी उनके खाते में 1-1 रुपये डाला है, तो क्या लग रहा है कि 1 रुपये आज डाला तो उनके खाते में 1000-1000 रुपये जो आएंगे, ये कब तक योजना क्रियान्वित हो? जे एक बार कोई योजना चालू हो जाती है भारतीय जनता पार्टी की, जैसे कि हम देखते हैं जो मध्य प्रदेश की जो शिवराज सिंह जी की सरकार है, लाडली लक्ष्मी योजना 2004 में चालू किया था, आज लाडली लक्ष्मी योजना नहीं चालू हो गई है। कमलनाथ जी की सरकार जो उन्होंने सारी योजनाएं बंद कर दी थी, ये तो उनसे वादे करते हैं किसानों के लिए 2 लाख रुपये का इन्होंने वादा किया था, 15 महीने में नहीं कर पाए। हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार हर महीने आपको 10 तारीख फिक्स हो गई, 10 जून, 10 जुलाई, 10 अगस्त, 10 सितंबर, 10 अक्टूबर, हर महीने को उनको 1000 रुपये मिलेंगे, और ये 1000 रुपये कहीं ना कहीं महिला सशक्तिकरण में मध्य प्रदेश में पूरे देश भर में उनका नाम होगा, और कहीं ना कहीं महिलाओं की जो आज स्थिति गड़बड़ है देश में, आर्थिक स्थिति, उन्होंने परेशान रहना पड़ता है छोटी छोटी बातों के लिए, उनकी परेशानियाँ हल हो। भारतीय जनता पार्टी का स्पष्ट कहना है कि जो सरकार की बात की जाए, सरकार जनहितेश सरकार है, जो सरकार योजना लेके आ रही है वो भारतीय जनता पार्टी के लिए है, तो क्या 15 महीने की जो कमलनाथ की सरकार जी का वो सरकार की कितनी योजना है जिन योजना का नाम बदल कर भारतीय जनता पार्टी उनका उपयोग कर रही है, क्या योजना आ रही है आपकी सरकार की? योजनाएं पहले की थी, किसानों को कर्जा माफ किया, मैं बताया 51,000 रुपये कर्जे दान को दिए, 100 यूनिट बिजली फ्री थी, पुरावस्तानी भी मुद्दे पे बात कर दूँ, सिलवानी में 20 साल पहले कांग्रेस की सरकार हुआ करती थी, 2003 से हॉस्पिटल की हालत जो होती 20,000 में ठीक हुआ है, 4 डॉक्टर हुआ करते थे, आज वहाँ पर 2 डॉक्टर हैं, महिला डॉक्टर की नियुक्ति प्रमोशन हुआ है, प्रमोशन हुआ है शिवराज सिंह की सरकार में, वो विधायक रामपाल जी के उसमें डिमोशन हुआ है सिलवानी का, आप हॉस्पिटल की हालत देख सकते हैं जाके, उसमें 4 डॉक्टर की जगह 2 हैं, महिला डॉक्टर नसीब नहीं हो रही है सिलवानी के अंदर, ये स्थिति है, और इससे ज़्यादा क्या हो सकता है, क्षेत्रीय उपेक्षा क्या हो सकती है आप कमी में? सिलवानी के अंदर खेल मैदान नहीं है बच्चों के लिए खेलने के लिए, एकमात्र मैदान था जिसमें स्कूल बना दिया गया, स्कूल बगल में भी बन सकता था, कृषि 70 एकड़ जमीन अभी भी है कृषि विभाग के पास, वहाँ बना सकते थे, खिलाड़ियों को वंचित कर दिया गया है, माने सिलवानी का केंद्रीय विद्यालय पढ़ा हुआ है, आज तक उसकी इंटरेस्ट नहीं लेते विधायक महोदय के नाम से, 132 KV जो आया सिलवानी उसको लेगा विजय नहीं आई, अपना क्रेशर चलवाते हैं उसकी, ये वो ब्रांच है शाखा है जो सिलवानी में रखी गई है, तो सिलवानी में तो बेवकूफ़ बनाया गया है सिलवानी की जनता को, जैसे खेत पोली लेते हैं इस तरह ये क्षेत्र पोली ले लिया गया है रामपाल ने, जो रामपाल का क्षेत्र ही नहीं है यहाँ, तो पोली लेके खेती करना है, चाहे बमू लूटे उगे चाहे काटे उगे, उन्हें उससे मतलब नहीं है हमारे सिलवानी विधानसभा के अंदर। भारतीय जनता पार्टी कहीं ना कहीं अपने मुद्दों से भटकती हुई नजर आ रही है, ये कांग्रेस का आरोप है, हम नहीं लगा रहे इस आरोप को, और ये भारतीय जनता पार्टी लगातार विकास की बात कर रही है, सिलवानी विधानसभा की बात की जाए तो कहीं ना कहीं सिलवानी विधायक उदयपुरा विधानसभा के मूल निवासी हैं, लेकिन अपनी सेवा है, अपना जो कर्म है वो सिलवानी विधानसभा के लिए, वो उनके जो मुद्दे हैं उनका विश्वास है, कहीं ना कहीं उनकी जनता को भारा है, उन्हीं से पूछा ये बताइए, लगातार कई पदों पे आप रहे भारतीय जनता पार्टी में, तो ये बताइए कि आपकी सरकार ने अभी 5 वर्षों में क्या विकास किया? भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने जो 50 साल में कांग्रेस सरकार रही उसने 50 साल में सिलवानी का क्या, पूरे जिले का, पूरे मध्य प्रदेश का कोई विकास नहीं किया था, सड़कें जो थी गड्ढे बने हुए थे,
ऐसा मालूम होता है सड़कों पे कब्रिस्तान बनी हुई है, इतनी हालत ख़राब थी। भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी, प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी बने और अटल बिहारी प्रधानमंत्री सड़क योजना उन्होंने जो लागू की, उसके तहत में हमारे प्रदेश के मंत्री भाई रामपाल सिंह जी बने PWD मंत्री, उन्होंने पूरे प्रदेश में, पूरे जिले में, पूरी सिलवानी तहसील में सड़कों का जाल बिछा दिया। आज इस गांव से उस गांव तक पक्की सड़कें, कहीं भी कोई कच्ची सड़कें नहीं है। इससे पहले 50 साल में कांग्रेस ने कोई सड़क नहीं दी। अगर जयथारी प्रतापगढ़ में अगर कोई आदमी बीमार हो जाता था तो उसको हॉस्पिटल सिलवानी लाने के लिए कोई रास्ता नहीं था, उसको मरना ही पड़ता था। जब रामपाल सिंह, जब कोई व्यक्ति विकास का कार्य करता है, विकास जब होता है तो कहीं ना कहीं उसको प्रोत्साहन दिया जाता है, उसको पुरस्कृत दिया जाता है। लेकिन यदि आप विधायक PWD मंत्री रामपाल सिंह को बारे में विधायक हैं और इतना सब कुछ करने के बाद दोबारा मंत्रिमंडल में किसी पद के मोहताज थे, वो क्यों नहीं मिला? मंत्री पद की कोई उनको आवश्यकता नहीं है, सरकार की आवश्यकता है। सरकार में रहते हुए वो भी इस वक्त मंत्री से ज़्यादा पावर रखते हैं और माननीय हमारे शिवराज सिंह जी मुख्यमंत्री जो हैं वो रामपाल जी को मंत्री ही समझते हैं, क्योंकि हमें सरकार बनाना थी मध्य प्रदेश में, इसलिए रामपाल सिंह को कोई जगह इसलिए नहीं दी गई क्योंकि हमें सरकार बनाना थी। और पुनः जो किसानों में कोई शांति जो सरकार ने जो बनी थी कमलनाथ की, उन्होंने वायदा किया था किसानों से मुकर गए और उन्होंने किसानों का कर्जा माफ नहीं किया, इसलिए उन्हीं के कांग्रेस के मंत्री इस्तीफा दे देकर भारतीय जनता पार्टी का समर्थन करके भारतीय जनता पार्टी के मंत्री बने, इसलिए रामपाल सिंह जी मंत्री बने। और जो हमारे सिंधिया जी के साथ जो मंत्री आए थे उनको मंत्री हमारी भारतीय जनता पार्टी ने शिवराज सिंह जी बनाया और आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। और भारतीय जनता पार्टी में जो 50 साल में कांग्रेस ने विकास नहीं किया था, वो 50 साल की पूरा जो गड्ढे थे सड़कों की विकास नहीं था। सिलवानी जो है इस वक्त सिलवानी तहसील रायसेन जिले में फर्स्ट है रामपाल सिंह के नेतृत्व में, और विकास हुआ है, कोई कसर बाकी। ये बताइए कि इस बार 2023-24 का जो चुनाव रहेगा विधानसभा को, क्या चेहरा होगा, किस चीज़ को लेकर विधानसभा? भारतीय जनता पार्टी जब चुनाव लड़ती है तो उसका एक ही चेहरा होता है, कमल का फूल। पार्टी का उम्मीदवार भी होता है कमल का फूल। कमल का फूल जो प्रत्याशी होता है उसके लिए भारतीय जनता पार्टी के पूरे कार्यकर्ता धन मन धन से काम करते हैं। मध्य प्रदेश में पुनः माननीय शिवराज जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाएंगे। मध्य प्रदेश में यदि भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनती है तो कहीं ना कहीं विकास का मामला वो दिखा देते हैं कि हम विकास के माध्यम से पुनः सरकार बनाते हैं। फिर हम कांग्रेस से पूछते हैं कि अब कांग्रेस पार्टी यदि सत्ता में आती है तो क्या विकास के वादे होंगे, क्या उनकी मुख्य भूमिका है? मुख्य भूमिका है तो पहले होगी क्षेत्र का जो विकास रुक गया है उसको कराने की, हमारी विधानसभा के हमारे प्रदेश का जो आज भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है। आज यह स्थिति है कि आप छोटे से छोटे काम कराने के लिए 100 से 200 रुपए अधिकारी कर्मचारी लोग खुलेआम ले रहे हैं, जनता त्रस्त है। और अभी हमारे काजी साहब कह रहे थे कि हमने उन लोगों को मंत्री बनाया, तो ऐसे जो कहते थे कि किसानों का कर्जा माफ नहीं हुआ हम सड़क पे आ जाएंगे, हमारे संविदा कर्मियों की नियुक्ति नहीं हुई हम सड़क पे आ जाएंगे, तो आज वो लोग सड़क पे हैं और वो कुर्सी पर बैठे हैं। तो ऐसे भ्रष्टाचारी लोगों नेताओं से हम क्या अपेक्षा कर सकते हैं कि उन्होंने सरकार बेच दी? कहीं ना कहीं बेरोजगारी देखी जा रही है। बिल्कुल, यहाँ क्षेत्र में बेरोजगारी है और यहाँ क्षेत्र में कोई भी ऐसा केंद्र नहीं है जहाँ पर लोगों को रोजगार मिल सके। कमलनाथ जी आते हैं, जनता के बीच में जाते हैं, आप कार्यकर्ता हैं कांग्रेस, तो ये बताइए कौन सा चीज होगी जिसकी वजह से आपका सफलता विदेश में होगी? सबसे पहले तो इस क्षेत्र में आवश्यकता है रोजगार की, तो पहला तो हम लोग रोजगार की, कमलनाथ जी की सरकार बनती है तो कमलनाथ जी, माननीय कमलनाथ जी जैसे उन्होंने छिंदवाड़ा में रोजगार के साधन लगाए हैं, ऐसे ही वो हमारे क्षेत्र में मध्य प्रदेश में जगह जगह रोजगार के लिए ऐसे बड़े बड़े फैक्ट्री या कारखाने खोलेंगे। पिछली पंचवर्षीय जब चुनाव हुए थे हमने छिंदवाड़ा को एक मूल आधार माना था, लेकिन वो 15 महीने के बाद क्यों सरकार जगेगा? वो कुछ मतलब परस्त लोग जो थे जिन्हें लाभ चाहिए था, व्यक्तिगत लाभ चाहिए था और उनको लाभ नहीं मिल पाया तो उन्होंने कहीं ना कहीं सौदा किया, बिक गए और आज वो बिके हुए
जो लोग हैं उनको वहाँ भी सम्मान नहीं मिल रहा है, और स्थिति ये है कि वो इधर के भी नहीं बचे हैं और उधर के भी नहीं बचे हैं। हो सकता है लगता है और कहीं ना कहीं ऐसे संकेत हैं कि वो पुनः वापस आने के लिए तैयार है, लेकिन माननीय कमलनाथ जी ने बोल दिया है कि हम ऐसे बिके हुए लोगों को पुनः कांग्रेस में नहीं लेंगे। हम बात कर रहे हैं, ये वही विधानसभा सिलवानी विधानसभा ऐतिहासिक विधानसभा है, और उसके बाद हम अभी हमने भारतीय जनता पार्टी के और कांग्रेस के कार्यकर्ताओं से बात की, कुछ लोग भी हैं मतदाता भी, उनसे भी हम लोग बातचीत करना चाह रहे हैं कि क्या उनकी समस्या है पाँच वर्षों के लिए। ये बताइए, पाँच वर्ष हो गए भारतीय जनता पार्टी ने क्या दिया आपको? नहीं दिया। क्या क्या चाहती है आपकी? हमारी चाहत ये थी मतलब वो खुद का पेड़ भरते हैं और गरीब आदमी को हटाते हैं और पड़ोस वाले को मतलब खुद को बनाते हैं। हमारा दो नंबर वार्ड है जिसमें हम आज भी रहते हैं। अभी चलो आप तक आप प्लान ऐसे लगेगा कि आज भी वो गाँव की तरह है, कोई सड़क नहीं है, आज तक रोड की मतलब उधर विकास ही नहीं हुआ ना लाइट है वहाँ। भारतीय जनता पार्टी कहती है सारे विकास हुई है, सारी सुख सुविधाएं हैं, बात कुछ नहीं है मतलब, और अभी भी नदी पे आगने जाती है, लेट में तकरीबन लोगों के घरों में शौचालय भी नहीं है आपके यहाँ। जी बताइए, आपके यहाँ सिलवानी विधानसभा में क्या विकास हुए पाँच वर्षों में? ढेर सारे विकास की झड़ी लग गई आपके, ये मान लीजिए कि पेट में बच्चे से लेके पढ़ाने से लेके मरने तक की व्यवस्था कर रखी सरकार ने, कर रखी सरकार ने। लोग परेशान क्यों, जब व्यवस्था है आपके यहाँ हॉस्पिटल की बात की जाए, दो डॉक्टर है, वो तो कहने वाले लोग कहते हैं उसी के मुँह पे कोई बारह तो रख नहीं सकते, वो सारी सुविधाएं दे रखी हैं, लेटरिंगे बनवा दी, लाडली लक्ष्मी योजना चल रही है, लाडली बहना योजना चालू हो गई है, इतनी योजनाएं चल रही हैं, किसी की डिलीवरी होती है तो घर से लेके अस्पताल तक जा रही हैं, डिलीवरी होने के बाद पैसे दे रही हैं, और क्या चाहिए आपको, सारी सुविधाएं दे रही है गवर्नमेंट, सरकार ने विकास किया है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने विकास किया है और विकास के बलबूते पे आज भी यहाँ के लोग कहते, हमारे साथ में स्थानीय पत्रकार हैं, उनसे जानते हैं कि पाँच वर्षों में भारतीय जनता पार्टी ने क्या विकास किया है और किस तरह से कांग्रेस यहाँ मैदान में आना चाह रही है। हम जानते हैं, ये बताइए आशीष जी, लगातार आप यहाँ लोगों से जुड़े रहते हैं, लोगों से बातचीत होती है, तो क्या मानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी ने क्या विकास किया है? विकास आपको दिखाई देगा, सिलवानी में सौंदर्यीकरण के नाम पर सिर्फ दो फुब्बारे बनाए थे, एक ये चौराहे पे आपके सामने, एक बुधवारा बाजार में, जो आज तक चालू नहीं हो पाया। मुद्रा प्रशिक्षण केंद्र कृषि मंडी के बाजू में बना हुआ है, 1 करोड़ रुपए की ज़्यादा की लागत से वो बिल्डिंग बनी है, आज तक वो मुद्रा प्रशिक्षण केंद्र चालू नहीं हो पाया। क्षेत्रीय विदिशा सांसद जब हमारी सुषमा स्वराज थी, उन्होंने एक खेल ग्राउंड बनाया था, स्टेडियम बनाया था, आज वो स्टेडियम ना कि किसी पंचायत के हाथ में ना वो चालू हो पाया है। विकास की बातें अगर की जाए तो सिर्फ नेताओं का विकास होने के अलावा किसी का विकास नहीं हुआ। पार्टियों में जो भी सत्ता में लोग रहते हैं तो वो तो वोटरों को प्रलोभन देते हैं। कभी ना कभी हमको मौका मिलता है, चूँकि हम पत्रकार तो करते हैं, जनता की आवाज़ को हम लोगों तक पहुँचाते हैं, तो जब हम आवाज़ पहुँचाते हैं तो किस तरह का विश्लेषण आता है हमारे लिए? हमारे लिए जो विश्लेषण ग्राउंड रिपोर्ट पर हमें देखने मिलती है, वहाँ पर बीजेपी की स्थिति हमें समझ में नहीं आती, क्योंकि यहाँ पर वादों की कसौटी ज़्यादा है, किसी भी चीज़ का प्रचार प्रसार इनके यहाँ जो होता है वो बहुत तेज़ी से होता है, लेकिन धरातल पर वो स्थिति है नहीं है। तो इस बार हम क्या माने? इस बार तो सत्ता परिवर्तन का बड़े बड़े सर्वे भी हुए हैं, इस बार तो चुनाव में परिणाम देखने ही मिलेंगे, जो लोग समझ नहीं रहे इससे अचूक परिणाम आए। देखो आशीष, बात की जाए कि सिलवानी विधानसभा ऐतिहासिक विधानसभा ही मानी जाती है, 2008 में ये विधानसभा अस्तित्व में आई है, कभी ये विधानसभा उदयपुरा विधानसभा का हिस्सा होता था और ठाकुर रामपाल सिंह राजकीय उदयपुरा विधानसभा से चुनाव लड़ती थी। जैसे ही सिलवानी विधानसभा बनी तो कहीं ना कहीं उनके लाभ तो हुआ, उनकी उदयपुरा विधानसभा का जो हिस्सा था जिसे हम मेघवंश कहते हैं वो उनके अधिकार क्षेत्र में आया। तो विकास सिलवानी में हुआ है या विकास बेगमगंज में हुआ है? अगर देखा जाए तो इस टाइम पे जो विकास बेगमगंज में हुआ है वो सिलवानी में नहीं हुआ। सिलवानी में अगर देखा जाए तो हाई स्कूल में आज 15 साल से प्रिंसिपल नहीं है, अगर ये रोड पे दुकानें देखी जाएँ तो आज तक ये दुकानें नहीं बन पाई। अगर 15 साल में विकास कराना था तो जैसा बेगमगंज में विकास हुआ, जैसे मूर्तियाँ स्थापित की गई, सिलवानी में सौंदर्यीकरण के नाम पर क्या है? सिलवानी में एक पार्क नहीं है, 15 साल से हाट बाज़ार रोड पर लग रहा है, आज तक हाट बाज़ार की व्यवस्था नहीं कर पाई। स्थाई 15 साल में जो शासन रहा है, नगर पालिका में जो लोग रहे वो भी पार्टी के लोग रहे हैं, उनने विकास कहाँ किया? उन्होंने जनता के बारे में कहाँ सोचा? आज अगर रोड की बात करें तो डिवाइडर भला ही डल गया, लेकिन बीच रोड पर लोगों की दुकानें लगी रहती हैं, यातायात प्रभावित हो रहा है, यहाँ पर कोई ट्रैफिक का आदमी नहीं है, कैसा विकास? आम जनता को तो परेशानी हो रही है।
देखिए विकास की बात हमने अपने पटना का साथियों से बात की, तो कहीं ना कहीं विकास के मुद्दे पर बात की, हमारे पटना के साथी उनसे भी हम बात कराने जा रहे थे और उन्हीं से जानकारी बताइए यहाँ पर कभी एक जेल हुआ इतनी हिम्मत नहीं है, आवास बनी हुई है, क्या लगता है कि वो बच्चियाँ जेल में रहती हैं तो उनका मनोविचार या लड़ाई कैसा होगा? छात्रावास की बात हो रही है, कर दिया गया नया भवन बना के दिया गया है, वहाँ छात्रावास नहीं है। पहले तो छात्रा नहीं रहती थी, पहले था लेकिन विधायक द्वारा नया भवन स्वीकृत कर दिया गया है, पहले कभी जेल भवन था वो है ना, जेल भवन। तो ये बताइए, चूंकि हम लोग खबर चलाते हैं दिखाते हैं तो कहीं ना कहीं कई मुद्दे हमारे जीवन में आते हैं, हम लोग लोगों की समस्याओं को सुलझाते हैं, तो ये बताइए क्या लग रहा है आपको यहाँ पे, चूँकि हम लोग मीडिया से जुड़े लोग हैं, मुद्दे की बात भी कहते हैं, लोगों तक पहुँचाते हैं, इस बार किस तरह का समीकरण समीकरण ये है कि सिलवानी विधायक रामपाल सिंह राजपूत द्वारा लगातार विकास कराया जा रहा है। कल भी सीएम शिवराज सिंह चौहान आए थे, उन्होंने कई स्वीकृतियाँ दी गई हैं, बमोरी को तहसील का दर्जा दिया गया है, नगर पालिका का दर्जा स्वीकृत किया गया है, लगातार विकास हो रहा है। चुनाव आते हैं और नई चीज़ों की घोषणा हो जाती है, क्या आमली जामा पहना जा सकता है? पुरानी चीज़ की घोषणा की है विधायक महोदय द्वारा पूर्ण की गई नहीं, इस बात पर नई नई घोषणा है, क्योंकि आप पत्रकार में पत्रकार तो हम इसको मानते हैं कि ये तो चुनावी जुमला है। नहीं, पूर्व में भी चुनाव पिछली बार भी घोषणा जो की गई थी विधायक महोदय द्वारा पूरी स्वीकृत कराई गई है। यहाँ पे बात की जाए कि विधानसभा में जो भी बात होती है वो यहाँ पर पूर्ण कराने की हमारे पत्रकार साथी ने कहा, और हमारे एक मित्र और हम जानते हैं कि 5 वर्षों का विकास, ये बताइए 5 वर्षों में यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी का क्या विकास देखने को? विकास तो बिल्कुल नागे बराबर है यहाँ पर, क्योंकि बहुत सारी योजनाएं थी जो हो सकती थी, क्षेत्र के लिए बहुत सारे काम थे जो किए जा सकते थे, बहुत कम मात्रा में इस चीज़ को देखने में आता है। बहुत सारी चीज़ों के लिए हम आप देख रहे हैं कि यहाँ पे खड़े हो गए, योजनाएं तो हैं मगर उनको क्रियान्वयन नहीं किया गया। नहीं, हमने देखा है कि हम और आप जो जीरो ग्राउंड पे रिपोर्ट कर लेते हैं, आप भी देखते हैं हम भी देखते हैं जीरो ग्राउंड, क्या आपको लगा है कि जीरो ग्राउंड पर कोई विकास हुआ है यहाँ? नहीं, ऐसा तो कुछ भी नहीं देखा ही देखा, आप सभी से पूछ सकते हैं इस बारे में। नहीं, बात तो की जाती है विकास की, हमने अभी यहाँ देखा कि मिट्टी परीक्षण केंद्र वहाँ कंडे थोपे जाते हैं, वहाँ विकास नहीं है। जो चीज़ हमारे ना आई वो बाहर चली गई, एक सेंट्रल स्कूल की सौगात हमें मिली हुई थी, वही हमसे कोसों दूर नजर आती है, तो हम विकास को कैसे प्राथमिकता दे सकते हैं? तो कहीं ना कहीं सिलवानी विधानसभा के साथ धोखा हुआ, कहीं ना कहीं ये बात बिल्कुल सामने है कि ये मान लीजिए आपका चेहरा आता है, आपकी पार्टी से प्रत्याशी आता है, तो क्या उसका विकास के मुद्दे क्या होंगे? बिल्कुल बेसिक मुद्दे होंगे, सड़क बिजली पानी विकास, आम आदमी की परेशानियों का निराकरण करना, क्षेत्र की जनता का सम्मान करना, क्षेत्र के लिए सौगातें देना और सिलवानी को मध्य प्रदेश में पहली विधानसभा बनाना। नहीं, यहाँ तो सड़कों का जाल बिछा चुके हैं रामपाल सिंह राजपूत, फिर हम सड़क की बात क्यों करें? सड़क देखिए कहाँ कितना जाल बिछा है ये तो आप अपने आप जाके देख सकते हैं, क्योंकि बहुत सारी व्यवस्थाओं की अभी भी अभाव है जिनको पूरा होने में अभी समय लगेगा और बाकी है। इस समय हम रायसेन जिले की सिलवानी विधानसभा में थे, जिस विधानसभा 2008 में अस्तित्व में आई हुई थी, हमने लोगों से जाना, लेकिन अब देखना यह है कि राजनीति का ऊंट किस करवट बैठता है, राजेश सदैक रायसेन आज तक।